अब अगर मैं बात करूँ ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की, कि इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब, कि जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। अगर आप इस डायग्राम को देखें, एक साइड पे मेरे पास रिस्पॉन्स है और एक साइड मेरे पास डोज है, ठीक है। आपके पास स्टार्टिंग में बिल्कुल ज़ीरो डोज है, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे जैसे आप ड्रग की डोज को इनक्रीज़ करते हैं, वैसे वैसे आप देखें रिस्पॉन्स भी बढ़ता चला जा रहा है। एक टाइम आता है जब आप मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट कर लेते हो एक स्पेसिफिक डोज के ऊपर, और उससे ज़्यादा फिर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, क्योंकि जितना भी रिसेप्टर हमारे पास होता है सारा का सारा ऑक्यूपाई हो जाता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, कि जितना आप डोज को बढ़ाओगे उतना ही रिस्पॉन्स इनक्रीज़ होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो इस बेसिस के ऊपर हमारे पास दो तरह के जो है कंसेप्ट जनरेट होते हैं, एक होता है पोटेंसी और एक है एफिकेसी। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि पोटेंसी और एफिकेसी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है, पोटेंसी अमाउंट ऑफ द ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, यानी एक स्पेसिफिक कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। यानी कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास ड्रग की कंसंट्रेशंस गिवन है, यानी 10 mg, 50 mg, 60 mg, 100 mg, मुख्तलिफ डोजेस गिवन है कि कितनी डोज कोई जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो पोटेंसी का ताल्लुक है ड्रग की डोज के साथ। फिर है एफिकेसी। एफिकेसी होती है ड्रग का रिस्पॉन्स मैग्नीट्यूड, यानी कि कितना रिस्पॉन्स आता है एक ड्रग का, यानी एफिकेसी होती है मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक एग्जांपल में जो एनल्जेसिक ड्रग्स हैं पेन के लिए जो आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं, एक है आपके पास ड्रग है एस्प्रिन, इसके अलावा दूसरी ड्रग है कोडीन, फिर है मेपेरिडीन या मेप्रिडीन, और चौथी है मॉर्फिन। ये चारों की चारों सेम काम करती हैं, पेन रिलीफ की मेडिसिन है। अगर आप देखो एस्पिरिन का जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो इतना इस लेवल तक का, यानी यहाँ से अगर आप देखो तो ये एस्पिरिन का रिस्पॉन्स है। अगर आप कोडीन का देखें तो कोडीन का रिस्पॉन्स ज़्यादा है, फिर मेपेरिडीन या मेप्रिडीन और मॉर्फिन, मेप्रिडीन और मॉर्फिन का रिस्पॉन्स तकरीबन सेम आता है, दोनों का लेवल तकरीबन सेम है। यहाँ से क्या पता चलता है कि एस्पिरिन का मैक्सिमम रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ इतना है, जबकि कोडीन का रिस्पॉन्स उससे ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि कोडीन जो है एस्पिरिन से ज़्यादा एफिकेसी रखती है। फिर मेपेरिडीन और मॉर्फिन का अगर आप देखें दोनों का सेम लेवल आता है, मतलब कि मॉर्फिन और मेपेरिडीन दोनों की एफिकेसी बिल्कुल सेम है, दोनों ही मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। इसी पॉइंट पे अगर आप पोटेंसी को देखें तो देखें एस्पिरिन बहुत ज़्यादा डोज के ऊपर जो है थोड़ा इफेक्ट दे रही है, जबकि जो है आपके पास यहाँ पे जो ड्रग है कोडीन, कोडीन थोड़े से डोज के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। मतलब कि कोडीन पोटेंट ज़्यादा है, एस्पिरिन की पोटेंसी कम है। अब अगर आप मेपेरिडीन और मॉर्फिन देखें, दोनों की एफिकेसी बिल्कुल सेम है, लेकिन पोटेंसी देखें, मॉर्फिन कम डोज के ऊपर, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 mg की डोज के ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट देती है, जबकि कोडीन तकरीबन 40 mg के ऊपर देखें तो मैक्सिमम इफेक्ट दे रही है। मतलब क्या हुआ कि मॉर्फिन और मेपरिडीन दोनों की एफिकेसी जो है वो सेम है, लेकिन पोटेंसी, मॉर्फिन की पोटेंसी ज़्यादा है, मेपरिडीन की जो पोटेंसी है वो कम है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द पोटेंसी एंड एफिकेसी। किसी भी ड्रग की जब देखते हैं एफिकेसी की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि हम क्लिनिकली देखते हैं कि कौन सी ड्रग ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रही है। तो क्लिनिकली हम जो है ज़्यादातर बात करते हैं एफिकेसी की।